हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्ल्ड वंडर फैक्ट्स की एक और सीरीज में। आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं एक से बढ़कर एक फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें हैं अगर सबको जोड़ दिया जाए तो ये कितनी किलोमीटर लंबी हो सकती है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ पर लकड़ियाँ लड़कियाँ लड़कों को छेड़ती हैं? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बाबा के बारे में जिन्होंने पिछले 47 सालों से अपने हाथ को नीचे ही नहीं किया है। जी हाँ, और साथ ही जाने मन पोप जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो से जुड़ी एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो तैयार हो जाइए आज के इस बेहतरीन एपिसोड के लिए। लेकिन इन फैक्ट्स को जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी ना छूटे। आज ये वीडियो को शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। सबसे पहले हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जापान को दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश कहा जाता है, क्यों जापान की जो ट्रेन है वो किसी भी देश की 5-स्टार होटल की तरह दिखती है। जी हाँ, आप ये देखिए यहाँ का बेहतरीन नजारा। ये ट्रेन है जो कि किसी भी बड़े देश के बड़े होटल की तरह दिखती है। कहते हैं यहाँ की ट्रेन की फैसिलिटी इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पर छोटी सी जगह पर भी पूरी प्राइवेसी आपको मिलती है। फैक्ट नंबर 2, जब बात चली जापान की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी जापान के लोगों को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करते हैं तो बॉस आपकी छोटी उंगली काट ली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जापान में ये बात कही जाती है कि जो भी इंसान किसी का प्रॉमिस तोड़ता है तो उसकी छोटी उंगली को काट दिया जाता है, जिसे युबीगिरी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, कभी आप जापान शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां जाके प्रॉमिस मत कीजिएगा झूठा, वरना खामखा में छोटी उंगली जो है उससे आप हाथ गंवा बैठेंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब भी आपके गले में खुजली होती है तो उस समय आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है यार इस खुजली को मैं कम कैसे करूं? लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कभी भी गले में खुजली हो तो आप अपने कान में खुजली कर लेना। आप कहेंगे यार मतलब कान से गले का कनेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गले की खुजली खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों हमारी कान की जो नर्व्स होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो जब भी आपके गले में खुजली हो आप फटाफट से अपने कान में खुजली कर लेना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये लड़की है। जी हाँ, इसका नाम है रोज चाइल्ड। आप देखिए कैसे इनके चेहरे पर बिल्कुल मर्दों की तरह बाल है। ओहो, रोज को कहना था कि 21 साल की उम्र में ये बाल बार बार आ रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इसे साफ करने की कोशिश की तो बॉस फिर से आ गए। ऐसे में दोस्तों इन्होंने निर्णय लिया कि ये अपने चेहरे से बाल को नहीं हटाएंगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कैसे इनके चेहरे पर बाल है, देखिए। इन्हें देखकर भाई शायद ही कोई कह सके कि ये लड़का नहीं लड़की है। फैक्ट नंबर 5, एक कहावत तो दोस्तों आपने सुनी होगी, समवन पेन इज समवन गेन। लेकिन आज मैं आपको इसी कहावत को 100% होते हुए दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, आप इनसे मिलिए। ये है ब्रिटिश मॉडल जो कि आज के दिन में इतनी बड़ी हिट हो गई हैं कि इनके पास समय नहीं है किसी और का काम करने के लिए। आप देखिए इनके चेहरे को, इनको देख के आपको नहीं लगता कि इतने रेड स्पॉट्स बहुत ही कम लोगों के चेहरे पर देखने को मिलते हैं? इनका नाम है एलियन। दोस्तों कहते हैं किसी मॉडलिंग एजेंसी को कोई ऐसा ही बंदा चाहिए था जो कि सबसे हॉट हो और जिसका सबसे कमाल का लुक हो। जब एलियन को मॉडलिंग एजेंसी ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये उनके क्लाइंट के प्रोडक्ट का फेस बन सकते हैं। उसके बाद एलियन तो भाई स्टार बन गए, कैसे कहते हैं किस्मत। फैक्ट नंबर 6, अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक और ऐसी महिला से जिनको देखने के बाद आपको लगेगा यार ना जाने ये कितने साल की होंगी। सबसे पहले आप इनकी तस्वीर देख लीजिए। इनका नाम है सारा गर्ट्स। कहते हैं इनको एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इनकी स्किन में अचानक ही झुर्रियां पड़ गईं। आप देखिए इन्हें, ऐसा नहीं लग रहा मानो ये 60 से 70 साल की हो गई हैं। ईश्वर न करे किसी को ये बीमारी हो, नहीं तो यार जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं आपके शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो कितनी लंबी हो सकती हैं? आपको बताऊंगा तो आपका हैरानी होगी। वही अगर बॉडी की सारी नसों को मिलाकर जोड़ दिया जाए तो वो 1,00,000 किलोमीटर की लंबाई की हो जाएंगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी नसें हैं। 1,00,000 किलोमीटर कहने का मतलब है कि किसी भी देश के इस छोर से उस छोर तक आपकी जो नस है वो आसानी से पहुंच सकती है। जी हाँ, ये हैरान करने वाली बात है लेकिन बॉस बिल्कुल सच है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे सवाल पूछते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप कहेंगे भाई ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, लेकिन यही बातें बताने के लिए तो मैं हूँ यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में ऐसा पता चला है कि औसतन 4 साल का जो एक बच्चा होता है वो अपने घर में एक दिन में 450 सवाल पूछ लेता है। जी हाँ, वो भी एक दिन में। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने अनुभव किया होगा। वैसे भी कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। फैक्ट नंबर 9,
दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की वो कौन सी जगह है जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से कई गुना ज्यादा है? क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों को छेड़ती हैं? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस देश का नाम है दोस्तों रूस। इस कंट्री में हर 85 मेल के ऊपर 100 फीमेल का रेशियो है। यहाँ पर महिलाएं ही हर चीज में डोमिनेट करती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की लड़कियाँ ही स्कूल और कॉलेज में लड़कों को छेड़ती हैं। यहाँ की लड़कियाँ ही लड़कों को प्रपोज करती हैं। वाकई में कमाल की बात है। हो सकता है मेरी इस बात को सुनकर कई हमारे भाई ऐसा प्लान कर रहे हैं, यार काश रूस में ही हम पैदा हो जाते। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद ना आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं जब भी आप अपनी चीज से बहुत प्यार करते हैं तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इसका नाम है रॉबर्ट चीज़ब्रो। क्या आप जानते हैं इन्होंने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज अपने घर में करते हैं? जी हाँ, इस चीज का नाम है दोस्तों वैसलीन। आपको बता दूं, रॉबर्ट अपनी वैसलीन से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने वैसलीन को ही अपना च्यवनप्राश बना लिया था। कहने का मतलब ये कि रॉबर्ट रोज एक चम्मच वैसलीन खाया करते थे और दुनिया को बताते थे कि इनके अंदर कितनी हीलिंग क्षमता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, 96 सालों तक जिंदा रहे, लेकिन मेरी आपको ये एडवाइस है, आप इनकी तरह ऐसी कोशिश मत कीजिएगा कुछ खाने पीने की उल्टा सीधा, वरना खाम खा में भाई साहब डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। जिंदगी एक है, उसकी कद्र करो। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान अपने मुंह में कितने स्ट्रॉ ज्यादा से ज्यादा रख सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे यार 20 या 30। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन के साइमन एलमोर नाम के एक शख्स ने, आप जानते हैं, अपने मुंह में एक साथ 400 स्ट्रॉज मुंह में रखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 6 अगस्त 2009 को जर्मनी में ये रिकॉर्ड बनाया गया था। साइमन ने 400 स्ट्रॉज को करीब 10 सेकंड तक अपने मुंह में रखकर अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इतना ही नहीं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा मुंह है। आप देखिए कैसे अपने मुंह में भैया सब कुछ रख लेते हैं। क्या आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं? वैसे मत कीजिए, क्योंकि ये जो काम है ना, ये एक्सपर्ट की देखरेख में किए जाते हैं। मान लो कुछ होता भी है तो एक्सपर्ट्स होते हैं संभालने के लिए। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक रोड कौन सी है? एक ऐसा रास्ता जहां पर गाड़ी चलाना भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अटलांटिक ओशन रोड नॉर्वे देश में है। इसको दुनिया की सबसे खतरनाक रोड माना जाता है। ये करीब करीब 8.3 किलोमीटर लंबी है। कहते हैं इस रोड पर गाड़ी चलाना खतरों से खाली नहीं है। जी हाँ, आपके साथ कभी भी हो सकता है भयानक एक्सीडेंट। इस रोड को आप देख सकते हैं कैसे रोलर कोस्टर राइड की तरह राइट एंड लेफ्ट टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, इस रोड पर आपको कई बार गाड़ी चलाते चलाते समंदर की लहरें भी मिलती हैं। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूंगा, ये रोड समंदर के ऊपर बनी हुई है। कई बार यहाँ पर अचानक ही मौसम खराब हो जाता है। कहते हैं नॉर्वे की टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात पूछूं, एक के बाद एक करते हुए आप नॉनस्टॉप कितने गुब्बारे फुला सकते हैं? आपका आंसर होगा यार ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे आदमी से जो कि मुंह से 910 गुब्बारे फुलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुका है। जी हाँ, ये अमेरिका के कोलोराडो के रहने वाले हैं। इनका नाम है हंटर एवन। वही एक तरफ जहाँ लोगों की जान निकल जाती है एक या दो गुब्बारा फुलाते ही, वही इनका मामला कुछ और है। इन्होंने एक के बाद एक 910 गुब्बारे फुलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। वाकई में यार, कुछ लोग वाकई में बहुत अलग होते हैं। वाकई में इनको देख के लगता है इतनी सारी हवा इनके पेट के अंदर के कई सारे ट्रक के टायर में हवा भरी जा सकती है। फैक्ट नंबर 14। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा आदमी जो कि सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है जो कि पिछले 47 सालों से अपने एक हाथ को उठाकर ही जिंदा है। आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे आदमी से जो कि अब बाबा बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 1970 तक ये बाबा अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसके बाद से इन्होंने अपने एक हाथ को हवा में उठाकर रखा हुआ है। आप ये देखिए बाबा जी को, आज के दिन में इनका ये हाथ सूख सा गया है, लेकिन आप सोचिए कैसे इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। कहते हैं कि भाई ये धर्म की ताकत है। वाकई में मामला जो भी हो, लेकिन इस तरह के बाबा दुनिया में अकेले और भारत में ही है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, चीन की दीवार दुनिया में सबसे लंबी दीवार है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या ये अंतरिक्ष से भी नजर आती है? नहीं, अगर आपने ऐसा सुना है तो बिल्कुल गलत सुना है। देखिए, चीन की दीवार ही क्या, अंतरिक्ष से पृथ्वी का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आगे से अगर आपसे कोई भी ये बात कहना है, यार तुझे पता है चीन की दीवार वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, तो उससे कहना चल ना यार काम कर अपना। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको चीन की दीवार अंतरिक्ष से उतनी ही दिखाई देगी जितने कि किसी भी इंसान के सिर के बाल आपको 3 किलोमीटर दूर से दिखाई देते हैं। अब कितने दिखाई देते हैं ये बात तो आपको पता ही है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हॉस्पिटल में या फिर किसी भी एम्बुलेंस में ये लाल रंग का प्लस साइन क्यों होता है? क्या आपको पता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का एक्चुअली में रीजन क्या है। देखिए, आपने रेड क्रॉस संस्था के बारे में सुना होगा जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्टैब्लिश की गई थी 1863 में। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है लोगों की हेल्थ के लिए काम करना। इस संस्था से तीन चीजें सबसे ज्यादा एसोसिएट करती हैं। पहली है हेल्थ केयर, दूसरी है ह्यूमन केयर और तीसरी है लॉन्ग लाइफ।
एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का साइन है ये प्लस चेन। आपको बता दूं इसी वजह से हर हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस ने इस साइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहा जाता है इस साइन को देखकर बीमार लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों अंत में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं जो पोप हैं जॉर्ज मारियो बर्गोगिलो, ये कभी किसी नाइट क्लब में बाउंसर का काम किया करते थे। जी हाँ, आपको लगेगा भाई ये पोप हैं, ये कैसे ये काम कर सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात बिल्कुल सच है। ये आज धार्मिक राह पर चल रही हैं, लेकिन एक टाइम पर ये बाउंसर हुआ करते थे। इनकी सिचुएशन इतनी खराब थी, अपनी फैमिली को संभालने के लिए इन्होंने ये भी काम किया हुआ है। कई सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में इन्होंने वेटर का काम किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके बताएं, एंड इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। आपके पास भी कोई फैक्ट हो तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा आपसे जान के। प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।